नाम में क्या रखा है बोलने वाले पक्का है कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहते। रहते तो देखते कि नाम देखकर ही अपराध होता है, नाम देखकर ही एनकाउंटर होता है, नाम देखकर ही घर तोड़ा जाता है और नाम देखकर ही दुकानें बंद करवाई जाती हैं। मंगेश यादव जो कि लूट का आरोपी था, आरोपी ये शब्द दिमाग में रखिएगा, आरोपी था उसका UPSTF ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर प्रदेश माफ करिएगा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कोई खास बात तो है नहीं, मगर लोगों का ध्यान गया क्योंकि इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दे पा रहा है। अपराधी था, मुठभेड़ हुई, मार दिया गया जैसा सीधा मामला नहीं है ये। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जाति देख करके एनकाउंटर किया गया, क्या सच में हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस का मंगेश को गोली मारना जरूरी हो गया था। घर वाले पुलिस पर हत्या का आरोप क्यों लगा रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप यानी कि हवाई चप्पल पहन करके कौन से अधिकारी एनकाउंटर करते हैं। अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं जाति देख कर ही मंगेश की हत्या की गई। जाति वाले आरोप पे क्या है योगी का कहना। सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर इस समय खबरों में है। वायरल है वो फोटो जिसमें एसटीएफ की टीम एनकाउंटर के बाद पोज कर रही है। इस फोटो में एक चीज जो सबको अजीब लगी थी वो थी एसटीएफ अधिकारी की चप्पल। जी हाँ, हवाई चप्पल पहनकर मुठभेड़ में अधिकारी पहुंचे हुए थे। इससे ये सवाल उठा कि क्या सच में ये मुठभेड़ ही थी या फिर सब कुछ पहले से ही प्लान करके किया गया है। आखिर वो लूट का मामला क्या है जिसके लिए मंगेश को मारा गया, ये जान लीजिए। 28 अगस्त को करीब 12:15 पर 5 बदमाश सुल्तानपुर शहर के कोतवाली के टटीरी बाजार में स्थित भारत ज्वेलर्स में घुसे। 2 बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था तो वहीं 3 बदमाशों ने नकाब पहन रखा था। बदमाश अंदर घुसते ही दुकान के मालिक भारत और उनके बेटे अतुल गुप्ता के साथ मौजूद एक और कारोबारी को तमंचा दिखा करके काबू में ले लेते हैं। इसके बाद सिर्फ 4 मिनट में ही पूरी की पूरी लूट को अंजाम दे करके मौके से फरार हो जाते हैं। दुकान के मालिक भरत और उनके बेटे अतुल की माने तो बदमाश करीब 70 किलो चांदी और 2 किलो सोना लूट करके ले गए, साथ में 3 लाख रुपए नगद भी ले गए। इस लूट में 5 लोग आरोपी बनाए गए। ये ध्यान देने वाली बात है कि घटना का मास्टरमाइंड मंगेश नहीं बल्कि दूसरा आरोपी विपिन सिंह था। विपिन सिंह पर 30 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर किन हालातों में हुआ है इसको लेकर के कुछ और जानकारी दे रही है, वहीं घर वाले पुलिस को झूठा बता रहे हैं। लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहां इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार लिया। पुलिस की पहली मुठभेड़ में 3 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, तीनों को ही पैर में गोली मारी गई। वैसे जाति वाला ये एंगल उतना आश्चर्यजनक नहीं लगता जब आप उन 3 आरोपियों के नाम सुनेंगे जिन्हें पैर में गोली मारी गई, सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला। इसके बाद बचे हुए 2 आरोपियों मंगेश यादव और विपिन सिंह की तलाश शुरू हो गई। UPSTF का कहना है कि उन्हें इनपुट मिला था कि डकैती में शामिल 1 लाख का इनामिया मंगेश यादव अपने एक साथी के साथ लखनऊ वाराणसी मार्ग के रास्ते जौनपुर जाने की फिराक में खड़ा है। एसटीएफ ने कोतवाली देहात अंतर्गत हनुमानगंज इलाके में नाकेबंदी कर दी। एसटीएफ का दावा है कि खुद को घिरा देख करके आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोली चला दी। गोली लगने से मंगेश यादव घायल हो गया जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा दे करके फरार हो गया। एसटीएफ घायल आरोपी मंगेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगेश पर एक दिन पहले ही 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अब देखिए, क्या आपको यह अजीब नहीं लग रहा कि आज इनाम घोषित किया गया और कल मार दिया। पुलिस के मुठभेड़ वाले दावे को परिवार अब फर्जी बता रहा है। परिवार का कहना है कि रात में पुलिस वाले आए और मंगेश को उठा करके ले गए। नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मंगेश यादव की बहन ने रोते हुए भाई के एनकाउंटर को मर्डर ठहराया है। उसने कहा कि पुलिस भाई को उठा कर ले गई थी और बाद में हमें उसके मौत की खबर मिली। मंगेश के एनकाउंटर के बाद उसकी बहन ने रोते हुए कहा कि 28 अगस्त को हम फीस जमा करने के लिए गए हुए थे, हमें देरी हो रही थी तो भाई छोड़ने के लिए भी गए थे, फीस कार्ड हम वहीं भूल गए थे, इस कारण फीस जमा नहीं कर पाए। हम भाई के साथ घर पर चले आए,
हमारे साथ भाई भी घर वापस लौटे थे। इसके बाद सोमवार 2 सितंबर को रात 2 बजे पुलिस हमारे घर आई थी, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। हम लोगों ने जब पुलिस से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई को पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने सुबह में हमारे भाई को नहीं छोड़ा। हम लोगों को कहा गया कि ज्यादा बोलोगी तो मारेंगे। मंगेश यादव की बहन ने कहा कि इसके बाद पुलिस हमारे घर आई, पूरी चेकिंग की, लेकिन यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला था। भाई का मोबाइल लेकर के पुलिस चली गई। अगर सोना लूटने की घटना हुई थी तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिला? पुलिस जब भाई को साथ लेकर गई थी तो बोल रही थी कि पिस्टल था, गाड़ी थी, तो वो सब कहाँ गया? पिस्टल कहाँ गया? यह सब तो मिलना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं मिला? पुलिस इसके बाद भाई को कहीं और ले जा करके मार दी। इसके बाद किसी और जगह का एनकाउंटर दिखाया गया। अब आप सोचिए, 5 लोग, मगर उसमें से जो सबसे गरीब था उस पर पहले 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया और फिर मार दिया गया। मंगेश का ये घर देखिए, योगी जी बुलडोजर चलवा देते पर चलवाने के लिए घर भी तो होना चाहिए। 3 को पैर पे गोली मारी गई और मास्टरमाइंड को समर्पण करवा दिया गया। मारा गया तो केवल मंगेश यादव। व्यापारी जिससे लूट हुई थी उसे अभी तक उसके जेवरात वापस नहीं मिले हैं। पुलिस ने केवल चांदी के ही कुछ गहने वापस व्यापारी को लौटाए हैं। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि एक आरोपी मर चुका है, 4 गिरफ्त में हैं, मगर सोना नहीं मिला, किसके पास है? अब यह तो साफ नजर आ रहा है कि केस के कई सारे तार उलझे हुए हैं। ना केवल आम लोग बल्कि बड़े बड़े नेता भी अब इस मामले के ढंग से जांच की मांग करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने इस मुठभेड़ को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर खूब हमले किए। अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार से फोन पर भी बात की। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध करके उसे सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देख करके जान ले ली गई। उन्होंने आगे लिखा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों के लिए अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहेगा और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। अखिलेश यादव ने परिवार को फोन किया, जिसके बाद परिवार ने बताया कि अगर अखिलेश यादव फोन नहीं करते तो हमारे बेटे की लाश भी हमें ये नहीं देते, खत्म कर देते। वैसे आनन फानन में अंतिम क्रिया करना पुलिस और खास तौर से यूपी पुलिस के लिए कोई नई बात है नहीं। योगी का पुलिस गुंडई को बढ़ावा देना भी कोई नई बात नहीं है, मगर इस मामले पर जो बयान एक मुख्यमंत्री की तरफ से आया है वो हैरान करने वाला है। योगी ने कहा है कि कोई डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो सपा को क्यों बुरा लगता है? अगर डकैतों का सुराग ना लग पाता तो वो, यानी कि अखिलेश यादव, कहते कि अराजकता है। डकैत अगर मुठभेड़ में मारा जाता है तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। योगी जी, पहली बात, मंगेश डकैत नहीं था, डकैती का आरोपी था, उसे डकैत साबित करने से पहले ही मार दिया गया। खाली पुलिस ही थोड़ी ना है, इस देश में न्यायपालिका भी तो है, जहां आपको साबित करना होता कि मंगेश डकैत है, पर आप शॉर्टकट वाले हो, कहां इतनी जहमत उठाओगे। दूसरी बात में हम जवाब दे देते हैं, जो योगी जी ने पूछा है ना कि क्या होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, लोकतंत्र और जनतंत्र को गणतंत्र नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत छोटी सी बात है, पर अफसोस कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये बात नहीं पता है। खैर, इस मामले पर आपका क्या सोचना है, एनकाउंटर को लेकर के क्या सोचना है, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, ऐसे वीडियोज आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।